Hey everyone, आज हम देखेंगे चैप्टर 2, द फ्रेमवर्क। टेक्निकल एनालिसिस कुछ एजम्पशन पे आधारित है। इस चैप्टर में हम लोग कोर एजम्पशन को देखेंगे और फ्रेमवर्क को देखेंगे जिसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस फंक्शन करता है। उससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। सबसे वर्सटाइल फीचर टेक्निकल एनालिसिस का है कि आप टेक्निकल एनालिसिस किसी भी ट्रेडेबल एसेट पर अप्लाई कर सकते हैं। यह एक कार चलाने के जैसा है। एक बार जब आप सीख लेते हैं कि एक कार कैसे चलाना है तो आप लिटरली कोई भी कार ड्राइव कर सकते हैं, राइट? इसी तरह आपको टेक्निकल एनालिसिस एक बार सीखना है। एक बार सीख गए तो टेक्निकल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट किसी भी एसेट पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि इक्विटीज, कॉमोडिटीज, फॉरेन एक्सचेंज, फिक्स्ड इनकम इत्यादि। यह एक टेक्निकल एनालिसिस का बिगेस्ट एडवांटेज है जब आप अदर ट्रेडिंग टेक्निक से कंपेयर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप इक्विटी का फंडामेंटल एनालिसिस देखिए। एक बंदे को प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना पड़ता है। और इतना ही नहीं, कॉमोडिटी का फंडामेंटल एनालिसिस कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। अगर एग्रीकल्चरल कॉमोडिटी में डील कर रहे हैं, जैसे कॉफी और पेपर, तो आपको हार्वेस्ट, डिमांड, सप्लाई, इन्वेंट्री, रेनफॉल एनालिसिस इत्यादि को फंडामेंटल एनालिसिस में इंक्लूड करना पड़ेगा। इसी तरह मेटल कॉमोडिटी का फंडामेंटल अलग है, एनर्जी कॉमोडिटी का फंडामेंटल अलग है। हालांकि टेक्निकल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ रहे हैं हर एक एसेट में सेम ही रहेगा। एग्जाम्पल के लिए इन इंडिकेटर्स को देखिए, जैसे कि मूविंग एवरेज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस MACD, चाहे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI, एग्जैक्टली सेम वे में इक्विटी कॉमोडिटी और करेंसी में इस्तेमाल होता है। चलिए अब देखते हैं कोर टेक्निकल एनालिसिस एजम्पशन। फंडामेंटल एनालिसिस के विपरीत टेक्निकल एनालिसिस केयर नहीं करता कि स्टॉक ओवर वैल्यू है और अंडर वैल्यूड है। वास्तव में टेक्निकल एनालिस्ट की एक ही चीज मैटर करता है और वह है स्टॉक का पास्ट ट्रेडिंग डाटा, प्राइस और वॉल्यूम, जिसे यूज करके एनालिस्ट स्टॉक के फ्यूचर बिहेवियर का अनुमान लगा सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस 4 की एजम्पशन के बेस पर होता है। एक अच्छा टेक्निकल एनालिस्ट को बेस्ट रिजल्ट के लिए इन सभी एजम्पशन के बारे में अवेयर होना चाहिए। मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग। यह एजम्पशन हमें बताता है पब्लिक डोमेन में सभी नॉन और अननोन इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट स्टॉक प्राइस पे रिफ्लेक्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए कोई कंपनी का बंदा जिसे पता है कि इस बार अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट आएगा, वो बड़ा अमाउंट में कंपनी के स्टॉक को बाई कर रहा है। हालांकि उसने ये चोरी छुपे किया, लेकिन उसके एक्शन का प्राइस रिएक्ट करेगा। इस प्रकार से टेक्निकल एनालिस्ट को यह पता चलता है कि यह एक अच्छा खरीदारी हो सकती है। द हाउ इज मोर इम्पोर्टेंट देन वाई। यह पाला एजम्पशन का ही विस्तार है। ऊपर वाले ही एग्जाम्पल को देखते हैं जो अभी हमने बात की। टेक्निकल एनालिस्ट को यह सवाल करने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी कि अंदरूनी सूत्र ने स्टॉक क्यों खरीदा, जब तक वो जानता है कि अंदरूनी सूत्र की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया कैसे हुई। चलिए तीसरा देखते हैं, प्राइस मूव्स इन ट्रेंड। सभी बड़े मूव्स मार्केट में ट्रेंड की वजह से होता है। ट्रेंड का कॉन्सेप्ट टेक्निकल एनालिसिस का फंडामेंटल है। एग्जाम्पल के लिए रिसेंट में निफ्टी इंडेक्स 11,000 से 12,400 तक गया, राइट? ये रातों रात नहीं हुआ, इसे 5 महीना लगा है और स्टेप बाय स्टेप हुआ है। इसे देखने का एक और भी तरीका है। एक बार जब ट्रेंड एस्टैब्लिश हो जाता है तो एस्टैब्लिश ट्रेंड के डायरेक्शन में प्राइस मूव होता है, सिंपल। चौथा देखते हैं, हिस्ट्री टेंड टू रिपीट इटसेल्फ। टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस ट्रेंड हमेशा खुद को दोहराता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर एक बार जब प्राइस कोई डायरेक्शन में मूव होता है तब मार्केट पार्टिसिपेंट उसी तरीके से प्राइस पर रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अप ट्रेंड मार्केट में मार्केट पार्टिसिपेंट ग्रीडी हो जाते हैं और किसी भी हाई प्राइस पे खरीदने के लिए रेडी होते हैं। सेम वे जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, मार्केट पार्टिसिपेंट किसी भी कम अनअट्रैक्टिव प्राइस पे सेल करना चाहते हैं। यह ह्यूमन रिएक्शन इंश्योर करता है कि प्राइस हिस्ट्री खुद को दोहराता है। ये 4 एजम्पशन है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं द ट्रेड समरी। हम लोग चार्ट्स और प्राइस पैटर्न्स समझना स्टार्ट करें उससे पहले जरूरी है कि हम चार्ट्स के कंपोनेंट्स को समझ लें। जैसे कि आप सोच सकते हैं एक स्टॉक का प्राइस चार्ट का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, हम लोग को इसको समझना जरूरी है। चलिए, इंडियन स्टॉक मार्केट खुलता है 9:15 AM से 15:30 PM तक। करोड़ ट्रेड होते हैं ये 6 घंटे 15 मिनट के दौरान।
चलिए अब कोई एक स्टॉक के बारे में सोचिए, हर एक मिनट मल्टीपल ट्रेड होते हैं स्टॉक पे जो कि एक्सचेंज में एग्जीक्यूट होता है। क्वेश्चन यह है, मार्केट पार्टिसिपेंट होने के नाते क्या हम लोगों को हर एक अलग प्राइस पॉइंट पे जिस पर ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है नजर रखने की जरूरत है? इसे और अच्छे से समझने के लिए कोई इमेजिन स्टॉक लीजिए जिस पर बहुत सारे ट्रेड हो रहे हैं। इस पिक्चर को देखिए, हर एक पॉइंट पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है समय के साथ, और कोई इस ग्राफ को बनाना चाहेगा हर एक सेकेंड का, लाइक 9:15 AM से 15:30 PM तक जो भी ट्रेड हुआ है, तो ग्राफ कई बिंदु से टकरा जाएगा, राइट? हर एक डिफरेंट प्राइस को ट्रैक करना ये समझने के लिए कि मार्केट क्या चल रहा है इस सिचुएशन में प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ओपन हाई लो क्लोज, चूंकि यह डिफिकल्ट है टू ट्रैक ऑल द प्राइस पॉइंट, और वैसे भी यह अननेसेसरी है हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट को ट्रैक करना, और वह है ओपन हाई लो एंड क्लोज प्राइस, OHLC। OHLC इंटायर प्राइस एक्शन को समराइज करता है और जो भी इंफॉर्मेशन की जरूरत है वो हमें देता है। द ओपन, जब ट्रेडिंग के लिए मार्केट खुलता है जो फर्स्ट प्राइस होता है जिस पर ट्रेड एग्जीक्यूट होता है उसे ओपन प्राइस बोलते हैं। द हाई, यह उस हाईएस्ट प्राइस को रिप्रेजेंट करता है जिस पर मार्केट पार्टिसिपेंट पे करने के लिए तैयार होते हैं। द लो, यह उस लोएस्ट लेवल को रिप्रेजेंट करता है जिस पर मार्केट पार्टिसिपेंट पे करने के लिए तैयार है। द क्लोज, क्लोज प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस होता है क्योंकि यह एक फाइनल प्राइस होता है जिस पर मार्केट बंद होता है कुछ समय के लिए। क्लोज इंडिकेटर जैसा काम करता है इंट्राडे ट्रेड जानने के लिए। अगर क्लोज हायर होगा ओपन से तो उसे पॉजिटिव डे कंसीडर किया जाएगा, नहीं तो नेगेटिव। बिल्कुल हम लोग इस ज्यादा डिटेल में जानेंगे जैसे जैसे इस मॉड्यूल में आगे बढ़ेंगे। क्लोजिंग प्राइस मार्केट सेंटिमेंट को भी बताता है और नेक्स्ट डे ट्रेडिंग के लिए रेफरेंस पॉइंट जैसा काम करता है। इन कारणों के लिए क्लोज प्राइस ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ओपन हाई और लो प्राइस से। टेक्निकल एनालिस्ट के दृष्टिकोण से ओपन हाई लो क्लोज मेन डाटा पॉइंट है। हर एक प्राइस को चार्ट पे प्लॉट किया जाएगा और एनालाइज किया जाएगा। चार्टिंग द डाटा पॉइंट्स, हमें तो ये आइडिया हो गया कि ओपन हाई लो क्लोज दिए गए समय के दौरान ट्रेडिंग एक्शन को समराइज करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। इसलिए अब हमारा अगला स्टेप एक चार्टिंग टेक्निक को पहचान करना है जो कि चार डाटा पॉइंट्स एक साथ दिखा सकता है। अगर हम लोग एक अच्छा चार्टिंग टेक्निक को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो चार्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा, जैसे कि हर एक ट्रेडिंग डे को चार डाटा पॉइंट्स होते हैं जो कि है OHLC, राइट? अगर हमें 10 दिन का चार्ट देखना है तो हमें 40 डाटा पॉइंट को देखना पड़ेगा, 1 day × 4 डाटा पॉइंट्स पर डे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना कॉम्प्लेक्स होगा 6 महीना और 1 साल का डाटा देखना। अभी आप शायद गेस कर लिए होंगे कि जो हम रेगुलर चार्ट हम लोग यूज करते हैं जैसे कि कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, एरिया चार्ट, लाइन चार्ट, टेक्निकल एनालिसिस के लिए काम नहीं करते, सिंपली क्योंकि चार्ट 1 डाटा पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि टेक्निकल एनालिसिस को 4 डाटा पॉइंट चाहिए जो सेम टाइम पे डिस्प्ले होता है। यहीं पे जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक काम करता है। जापानीज कैंडलस्टिक स्पेशल चार्टिंग टेक्निक है जो कि जापानीज के द्वारा डेवलप किया गया, जैसे कि आप इमेजिन कर सकते हैं OHLC प्राइस को रिप्रेजेंट करने के लिए। इस मॉड्यूल में आगे बढ़ते हुए टेक्निकल एनालिसिस सीखने का बड़ा हिस्सा इस टेक्निक को सीखने के दिशा में केंद्रित होगा। हिस्ट्री, हम लोग आगे बढ़े उससे पहले जापानीज कैंडलस्टिक का इतिहास का एक छोटा सा हिस्सा जानने के लायक है। अब जैसे नाम ही बता रहा है, कैंडलस्टिक जापान से उत्पन्न हुआ है, राइट? सबसे पहले कैंडलस्टिक का इस्तेमाल 18th century में हुआ था, एक चावल व्यापारी ने किया था जिसका नाम था होमा मुनहेसिया। हालांकि कैंडलस्टिक जापान में लंबे समय से है और शायद प्राइस एनालिसिस का सबसे पुराना रूप है। पश्चिम दुनिया के ट्रेडर इसके बारे में पूरी तरह से अनजान थे। ऐसे कहानियां कही जाती हैं कि 1980 के आसपास स्टीव निशोन ट्रेडर और इन्वेस्टर ने गलती से अपने जापानी सहयोगी के साथ बातचीत करते हुए कैंडलस्टिक की खोज की। जापानीज कैंडलस्टिक में उनकी रुचि गहरी हुई और समय के साथ उन्होंने वास्तव में बाकी दुनिया के लिए कार्यप्रणाली पेश की। उन्होंने पहला कैंडलस्टिक पे बुक लिखी जिसका नाम था जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक, जो कि अभी भी बहुत सारे ट्रेडर्स के फेवरेट बुक है। ज्यादातर कैंडलस्टिक का पैटर्न अभी भी जापानीज नाम है, जो कि हम थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस में देखेंगे।
आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग कैंडलस्टिक का ढांचा कैसे बना उसे देखेंगे। मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।